फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बहुत लोग पूछते हैं, पर जनरली उस तरह का जवाब हर किसी के पास नहीं होता है। बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं कि आप कहीं पे भी गैदरिंग में जाइए, कहीं पे भी किसी क्लासरूम में जाइए या किसी मास मीटिंग में जाइए, और वहाँ पे एक मामूली सा दिखने वाला भी व्यक्ति होता है जो सबको बड़ा अट्रैक्ट करता है, जो सब उससे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं। ऑल दो पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहुत ज़बरदस्त हो, वो बहुत टॉल हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की तरफ हर कोई इमिडिएटली अट्रैक्ट होता है, उसके करीब बने रहना चाहता है। तो ऐसे क्या ट्रेट्स हैं कि व्यक्ति में एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिज्म आ जाए, जो व्यक्ति कहीं पे भी जाए तो लोग उसके करीब आना चाहें, उससे अट्रैक्ट हो जाएं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो मैं कुछ आपको पांच ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ओवरऑल खूबसूरती कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिल्टअप कैसा है, आपके आपकी हाइट, आपकी विड्थ, आपकी लेंथ, आपकी ब्रेथ या आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत मैग्नेटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिज्म है ये आपकी पर्सनालिटी में होता है, आपके दिखावे में नहीं होता, आपके लुक्स में नहीं होता। लुक्स तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है जो हर किसी में डिफरेंट होती है, अलग होती है, लेकिन उसके इरेस्पेक्टिव आप हमेशा मैग्नेटिक रहें, अट्रैक्टिव रहें, ये कैसे होगा अपनी पर्सनालिटी की वजह से, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आप तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, ऐसे क्या पांच ट्रेट्स हैं कि आप इमीडिएटली किसी को भी अट्रैक्टिव फील हों। तो नंबर वन है कि यू शुड बी वेरी अफेक्शनेट, कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग। जी हाँ दोस्तों, जो आपके आपको पहली बार देखते ही जो किसी के भी ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, वो पहली चीज़ है आपकी स्माइल होनी चाहिए, और वो कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए, यानी कि आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस छलकना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर प्यार भरा होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जब आप अंदर से प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, आप वार्म हैं, आप अफेक्शनेट हैं, तो वो आपके चेहरे पे प्यार छलकेगा और वो प्यार दूसरों तक भी पहुंचेगा, और उसी प्यार के साथ वो लोग भी आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप ऊपर से दिखावा करें किसी के साथ वार्म बिहेवियर का या अफेक्शनेट बिहेवियर का, आपके अंदर खुद के लिए बहुत प्यार होना चाहिए, अपने लिए बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अपने पास ज़्यादा होती है वही चीज़ हम दूसरे को दे पाते हैं। तो खुद के लिए पहले तो बहुत प्यार होना चाहिए, आपका दिल प्यार से भरा होना चाहिए, और वो प्यार दूसरों तक ट्रांसफर हो सके, ऐसा आपके चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दैट वाज नंबर वन, यू शुड बी अफेक्शनेट, वार्म, कॉन्फिडेंट, स्माइलिंग। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी पर्सनालिटी में, अगर आपको मैग्नेटिक बने रहना है, दूसरों को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहना है। नंबर टू की बात करें तो दैट इज कमांडिंग नेचर। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, किसी पे क्रश आ जाता है, वो अक्सर वो व्यक्ति होता है जो हम पे कमांड करता है, कभी भी जो हमारे पीछे पीछे लगा रहता है, क्रिंजी सी बातें करता है, जो हमेशा हमारे हमें मैसेजेस करता रहे या फ़ोन करता रहे या ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करे, हम अक्सर उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जो हमसे थोड़ा ऊपर होता है, उससे उसकी तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो जो हम हमें कमांड कर सके, हमें रूल कर सके, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कमांडिंग नेचर दिख जाता है। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो एक है कि आपने ये कहा, अरे चलो जहाँ चल सकते हैं चलो, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो दैट शोज़ कि आप बड़े डोसाइल हैं, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं हमेशा। और वहीं अगर आपके फ्रेंड्स की मीटिंग और आप कह रहे, अरे यार मैंने वो जगह देखी है, आज वहाँ चलते हैं, मज़ा आएगा तुम लोगों को, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट प्लेस, तो इससे लगता है कि आपने उस पूरे ग्रुप को अपने एक सेकंड में, अपने एक स्टेटमेंट में, अपने कमांड के अंदर होल्ड कर लिया,
यानी कि पूरा ग्रुप जहाँ जा रहा है वो आपकी चूज की हुई जगह है, वो आपका चूज किया हुआ रास्ता है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज होने वाली हैं काफी हद तक आपकी चूज की हुई हैं, तो यू सडनली बिकम कमांडर ऑफ दैट ग्रुप फॉर दैट पर्टिकुलर वेंचर, फॉर दैट पर्टिकुलर टूर। तो इस तरह से जब आप कमांडिंग पोजिशन में आ जाते हैं तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके चाहे ना चाहे बिना कहे हुए भी वो आपके अंडर में, आपके होल्ड में आ जाते हैं, और इस वजह से आपकी पर्सनालिटी जो है मैग्नेटिक हो जाती है, कमांडिंग हो जाती है, अफेक्शनेट तो आप है ही। तो दैट वाज नंबर टू पॉइंट। नंबर थ्री की बात करें तो दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, योर अपीयरेंस, योर प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे एक कॉलेज के बच्चे से बात हो रही थी कि उनके कहीं रिमोट एरिया में वो कॉलेज है और उनके बहुत सारे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स हैं जो यूं ही कैसे भी चले आते हैं कॉलेज में किसी भी तरह के कपड़े पहन के ढीले ढाले से, और आते हैं लेक्चर देते हैं चले जाते हैं। वहीं पे एक नए लेक्चरर ने ज्वाइन किया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत हैंडसम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लुक्स नहीं है, उनके हाइट बहुत अच्छी नहीं है, बड़े मीडियोकर लुकिंग हैं वो, बट बहुत साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, प्रॉपर परफ्यूम लगा के आते हैं, उनके बाल प्रॉपर सेट रहते हैं। तो इस प्रोफेसर से कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल अट्रैक्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर लट्टू हो चुके हैं, मैक्सिमम लड़कियों का क्रश आ चुका है इस लेक्चरर के ऊपर। तो इट्स नॉट दैट कि वो देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत कोरे चिट्टे लंबे चौड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े मीडियोकर लुकिंग है। लेकिन जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो बन ठन के रहते हैं, उनका उतना ही होना काफ़ी है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी चाल है, एक कॉन्फिडेंट चाल जो होती है कि आप चौड़े होकर के नॉर्मल चल रहे हैं, और एक दूसरा जो आप बिल्कुल ऐसे करके हैं और झुके झुके कंधों के साथ चल रहे हैं, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन वहीं आप अपना एक ओपन बॉडी लैंग्वेज जो होती है कि आप खुल के बात कर रहे हैं, हाथ हिला के बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है, आपके कंधे झुके हुए नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टू गिव यू एन अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। नंबर फाइव पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, गुड लिसनर कह सकते हैं या साइलेंट पर्सन कह सकते हैं, बिल्कुल जो आपकी साइलेंस है, जो आपकी चुप्पी है, वो भी बहुत बड़ा काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप चुप 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 बोलते ही रहें, कहीं कहीं पे शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। और इन एनी केस अगर आप ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे, आप खुद भी उसके पास जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो आपकी सुनता है, जो आपको सुनता है। तो यानी कि जो गुड लिसनर्स होते हैं, जो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक तो कम बोलने से आप फालतू नहीं बोलते, बेतुकी बातें नहीं बोलते, सोच समझ के बोलते हैं और वही बोलते हैं जो ज़रूरी होता है। दूसरा, जब आप अच्छा सुनते हैं तो लोगों को आप में सोलेस मिलता है, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें लगता है कि कहने के बाद ही आधी ख़त्म हो गई आपकी संगत में, तो ऐसा लगता है कि आपके पास जाके उनको अपनी ज़िंदगी की काफ़ी सारी तकलीफ़ों का हल मिल गया, जबकि हल आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ उनकी तकलीफ़ों को सुना और उस सुनने भर से उनकी तकलीफ़ें कम हो गईं। तो जो साइलेंस है, ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ा टूल है, एंड साइलेंस के साथ ऑब्वियसली आप गुड लिसनर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, जो कि बड़ा थिन लाइन है अच्छा होने में और बुरा होने में, वो है टच। एक जो सॉफ्ट टच जिसे कहा जाता है, कि इट्स नॉट दैट कि आप किसी को पकड़ के एकदम हाथ ज़बरदस्ती मिलाने लग जाएं और 5 मिनट तक उसका हाथ ही ना छोड़ें या ज़बरदस्ती गले मिल जाए, नहीं। लेकिन टच जो है याद रहता है, मेंटल मेमोरी को याद रहता है, बॉडी को याद रहता है, एक फीलिंग याद रहती है। तो एक जो सॉफ्ट टच है वो ज़रूर होना चाहिए आपकी इंटरेक्शन में किसी के साथ, कि आप किसी से मिल रहे हैं तो आप हाथ ज़रूर मिलाएं, अगर आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो उनके कंधे पे हल्का सा हाथ रख के शाबाशी दी, अ सॉफ्ट पैट ऑन द बैक, या फिर हाथ पे आपने हाई फाई कर दिया, कुछ हंसते हंसते मजाक में बात हुई और आपने हाई फाई किया, या हाथों पे अगर कोई दुखी है और आप उसको सोलेस दे रहे तो आपने हल्का सा यूं यूं किया कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, एंड दिस इज मोर देन एनफ। इतना हल्का सा जो टच है ये भी याद रहता है बॉडी को,
फॉरएवर याद रहता है शायद। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। और आप इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में, अपनी आदतों में शुमार करके देखिए आपकी पर्सनालिटी में कितना ज़बरदस्त चेंज आता है। कुछ और अगर आपके सुझाव हों तो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बखैर।